भारत की जनवादी नौजवान सभा जिला कमेटी हमीरपुर ने अखिल भारतीय कमेटी के आह्वान पर गांधी चौक हमीरपुर में रोजगार की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में राज्य अध्यक्ष अनिल मनकोटिया, जिला सचिव विवेक राणा, विशाल रंगड़ा, रजत मुकेश कुमार सहित दर्जनों युवाओं ने हिस्सा लिया। भारत की जनवादी नौजवान सभा के पदाधिकारियों ने कहा कि वर्तमान समय में सरकार की नीतियों के चलते देश गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है तथा देश की अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में है, जिसके चलते आज भारत में बेरोजगारी की दर पिछले 45 सालों में सबसे अधिक पहुंच गई है। लाखों लोगों को नौकरी छोड़नी पड़ रही है और आगे भी बहुत सारे लोगों की नौकरी खत्म होने के कगार पे है। उन्होंने कहा कि सारा काम ठेका और आउटसोर्स प्रणाली के तहत किया जा रहा है और इस प्रणाली के तहत कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। इन कर्मचारियों को पक्का करने के लिए कोई नीति नहीं बनाई जा रही है। प्रदर्शन के माध्यम से DYFI ने मांग की है कि युवाओं के लिए रोजगार का प्रबंध किया जाए और आउटसोर्स प्रणाली बंद की जाए, कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल की जाए, वो सांसदों व विधायकों की पेंशन बंद की जाए। सात दिनों के भीतर अगर प्रदेश सरकार और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने NSY की मांगों को नहीं माना तो संगठन पहले तो चक्का जाम करेगी, उसके बाद मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का शिमला में घेराव किया जाएगा। ये बात हमीरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में NSUI के जिला अध्यक्ष टोनी ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने प्रथम वर्ष का परिणाम एक तो देरी से घोषित किया है और वह भी महज 48% ही रहा है। इससे हजारों सैकड़ों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। छात्रों ने द्वितीय वर्ष में दाखिला ले लिया है और इसकी फीस भी जमा करवा दी है। अगर परिणाम पहले घोषित कर दिया होता तो छात्रों को ये आर्थिक नुकसान नहीं झेलना पड़ता। उन्होंने कहा कि निम्न स्तर का परिणाम घोषित करके विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों का एक साल बर्बाद कर दिया है, जिससे कई छात्र तनाव की स्थिति में चल रहे हैं। NSY ने मांग की है कि छात्रों को 5-5 ग्रेस मार्क्स दिए जाएं ताकि छात्रों का साल बर्बाद होने से बचे और उन्हें आर्थिक नुकसान भी झेलना ना पड़े। उन्होंने मांग की है कि लोकतांत्रिक देश होने के चलते महाविद्यालयों में भी SC चुनाव बहाल होने चाहिए। मांगे पूरी न होने पर संगठन ने 7 दिन का अल्टीमेटम देकर चक्का जाम और मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का घेराव करने की भी चेतावनी दी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमीरपुर इकाई द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। कॉलेज गेट पर प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के आरोप लगाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने पहले ही परिणाम इतने देरी से निकाले और जो विद्यार्थी फेल हुए हैं उनको प्रशासन ने बीच मझधार में फंसा दिया है। अब ना वो प्रथम वर्ष में एडमिशन ले पा रहे हैं और ना ही दूसरे वर्ष की अपनी कक्षाएं लगा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई विद्यार्थी अपने थ्योरी में तो पास हैं पर उनके इंटरनल असेसमेंट में 1 या 2 नंबर से फेल किया गया है, तो विद्यार्थी परिषद इंटरनल असेसमेंट रिवाइज करने की मांग कर रहा है। विद्यार्थी परिषद प्रशासन को चेतावनी भी देता है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो विद्यार्थी परिषद और उग्र आंदोलन करेगा। हमीरपुर जिला के ग्राम पंचायत फरनोहल के गांव दुगबाड़ी के बाशिंदों को जान जोखिम में डालकर आवाजाही करनी पड़ रही है। हालांकि गांव के लिए 2 सालों से सड़क बनाने का काम शुरू हुआ है, लेकिन काम कछुए की गति से होने के कारण गांव वासियों में गहरा रोष है। हालांकि कई बार गांव वासियों ने इस बात पर PWD विभाग को शिकायत भी की है, लेकिन कोई असर नहीं हुआ, जिस कारण समस्या जस की तस बनी हुई है। दुगबाड़ी गांव के बाशिंदों ने PWD विभाग के एक्सियन को लिखित शिकायत करके जल्द सड़क कार्य को पूरा करने की गुहार लगाई है। साथ ही लोगों ने सड़क निर्माण के लिए ठेकेदार के द्वारा कछुए की गति से काम करने पर भी रोष जाहिर किया है। सो
सोलन में 8 दिवसीय हिमाचल उत्सव का आयोजन धूमधाम से आरंभ हुआ। पहली सांस्कृतिक संध्या में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। दीप प्रज्वलित कर मुख्य अतिथि ने उत्सव का विधिवत आरंभ किया। इस मौके पर भाजपा नेता राजेश कश्यप और ग्रीन हिल्स इंजीनियरिंग कॉलेज के चेयरमैन कृपाल सिंह पसरीजा बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर हिमाचल में सबसे ज्यादा सोलन में नशे पर नकेल कसने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक मधुसूदन शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार और SHO धर्मसेन नेगल को हिमाचल रक्षक अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं चिट्टे को जड़ से उखाड़ने की मुहिम के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके थिएटर आर्टिस्ट मुनीश कुमार ने अपनी प्रस्तुतियों से युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया। वहीं ग्रीन हिल्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों और पंजाब के कलाकार सूची अरोड़ा SJ डांसिंग जोन ने बेहतरीन प्रस्तुतियां देकर सभी को नाचने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि हिमाचल सरकार का एक ही लक्ष्य है, प्रदेश से नशे को जड़ से समाप्त करना, जिसके लिए कठोर कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें सोलन पुलिस सराहनीय कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि विदेशी ताकतें भारत के युवाओं को नशे के जाल में फंसा कर खोखला करने में लगी हैं, लेकिन वे सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों को नशे के प्रति लगातार जागरूक कर रहे हैं, इसलिए वे उसे नियंत्रित करने में काफी हद तक कामयाब हुए हैं। उन्होंने अभिभावकों से निवेदन किया कि वे अपने बच्चों पर नजर रखें और उन्हें नशे में न पढ़ने दें। उन्होंने ये भी कहा कि निजी स्कूलों में विद्यार्थी नशे में ज्यादा पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके परिजन अपने बच्चों को ज्यादा पैसा देते हैं, जिसका उपयोग वे नशे के लिए करते हैं।